शर्म आनी चाहिए बीसीसीआई को, शर्म आनी चाहिए आईसीसी को, शर्म आनी चाहिए इंडियन क्रिकेट फैंस को, शर्म आनी चाहिए इंडियन क्रिकेट को। और ये जो चीजें है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पड़ोस की तरफ से यहाँ पे अभी एक कह सकते ट्रेंड चलाया जा रहा है सेमीफाइनल में, और एक ये झूठी रिपोर्ट के आधार पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है हमारे पड़ोस की तरफ से, जिसमें बहुत सारे पड़ोस के हमारे कंटेंट क्रिएटर है उसने भी इस वीडियो को कवर किया है, जिसमें से एक फरीद जो है जिसके बारे में मैं बता रहा था उसने भी की है, और एक फुरकान भट्टी उसने भी की है, और भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने यहाँ पे एक न्यूज को बिना वेरीफाई किए इंडिया के खिलाफ यहाँ पे एक एजेंडा चला रहे हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ ये एजेंडा क्या है। यहाँ पे एजेंडा जो है वो एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कोई रिपोर्टर है, उसने एक रिपोर्ट किया है कि बीसीसीआई ने आईसीसी से रिक्वेस्ट करके जो पिचेस पे मैच होने वाला था वो मैचेस को कैंसिल करा के दूसरे पिचेस पे करवा रहा है। मतलब देखिए कितना बड़ा एलिगेशन है और कितना बड़ा झूठ जो है वो ट्विटर के ऊपर फैलाया जा रहा है, मतलब ट्रेंड कराया जा रहा है कि बीसीसीआई ने चीटिंग की है, बीसीसीआई ने अभी तक जितने मैचेस खेले सब में चीटिंग की है, कितना बड़ा ट्रेंड चलाया जा रहा है, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिया के अगेंस्ट फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से बीसीसीआई की तरफ से जो पिच है जिस पिच पे आज मैच खेले जा रहे हैं अभी वो पिच नहीं था, उससे पहले दूसरा पिच था जो बैटिंग फेस पिच था, आप कह सकते हो वहां पे चेज भी अच्छा हो जाता, वो पिच के छोड़ के दूसरे पिच पे खेल रहे जो पिच पे घास वगैरह है। ये इतनी बड़ी यहाँ पे झूठी चीजें फैलाई जा रही है हमारे पड़ोस की तरफ से, मैंने सोचा ये वीडियो बना के आप लोगों को मैं सच बता दूं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताऊं कि इंडियन टीम सेमीफाइनल पहुंची और इंडियन टीम ने जो अभी तक परफॉर्मेंस दिया ना उसमें बहुत सारे लोग जो है ना जल भुन गए, मतलब इतने जल गए कि उनके ऊपर बर्न ऑयल भी काम नहीं कर रहा, बर्न ऑयल आप लगा लो फिर भी काम नहीं कर रहा, वो एजेंडा चला रहे हैं कि इंडियन टीम इतने मैचेस इतने अच्छे तरीके से जीती कैसे, मतलब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इंडियन टीम इतने अच्छा खेल ही सकती है। अब इसमें बहुत सारे इंडियन फैंस भी इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ बीसीसीआई की ये पावर है, बीसीसीआई ने आईसीसी को बोल के पिच ये करवा लिया, अपने फेवर में करवा लिया, इसीलिए इंडिया जीत रही है, इंडिया को ऐसे ही कप उठा के दे दो, ये सारी चीजें चलाई जा रही है। तो मेरे भाई मैं आपको सच्ची बता दूं, ये जो चीजें है ना ये झूठ है, जो पिच यहाँ पे डिसाइड किया गया था उसी पिच पे मैच है, और ये इवन केन विलियमसन ने भी कहा, रोहित शर्मा ने भी कहा कि उसी पिच पे जो मैचेस है वो कराए जा रहे हैं, क्योंकि जब आपने टॉस देखा होगा तो रोहित शर्मा ने कहा था कि ये पिच देख के मैंने कल ही सोचा था, परसों ही सोचा था कि भाई यहाँ पे मैं बैटिंग करूंगा, और सेम चीजें केन विलियमसन ने भी कही थी कि मैंने दो दिन पहले पिच देखा जिसपे मैंने सोचा था कि भाई इस पिच पे हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन टॉस रोहित शर्मा जीत गया तो बैटिंग कर रहे हैं। तो इतना बड़ा एजेंडा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन टीम जानबूझ के स्लो पिच ली क्योंकि इंडियन टीम के पास अच्छे स्पिनर है जिसके वजह से वो स्पिनरों का जो है वो फायदा उठाएंगे, स्पिनर जो अच्छे तरीके से मतलब स्पिनिंग करते हैं इंडियन टीम का, इसके वजह से वो लोग स्लो पिच लिया ताकि जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम आए उनको दिक्कत हो। और इससे ये लोग ना एक चीज और भी लगा रहे हैं कि भाई इंडियन टीम ने अभी तक जितने मैचेस है सब मैचेस में पिचेस बदले, मतलब यार क्या कहूं मैं इन जैसे लोगों को, जो लोग ये एजेंडा फैला रहे हैं उनको क्या कहूं। अब देखो टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है तो बहुत सारे लोगों का हजम नहीं हो रही है, इवन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के मतलब आप देखोगे हजारों हजारों रिपोर्टर बहुत गलत न्यूज फैला रहे हैं और लोग उन पर विश्वास भी कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो पिचेस पे मैच होना था वही पिच पे मैच यहाँ पे खेले जा रहे हैं, टीम इंडिया बैटिंग कर रही है और रोहित शर्मा का स्टार्ट देखो क्या बढ़िया गया, टीम इंडिया का स्टार्ट देखो क्या बढ़िया है। तो लिटरली मैं बता रहा हूँ ये जो एजेंडा फैलाया जा रहा है ना हमारे पड़ोसियों की तरफ से, ये एक आप कह सकते हो जलन की बदबू आ रही है कि भाई वो लोगों को बर्न ऑयल काम नहीं कर रहा है, इवन बर्न ऑयल पिछवाड़े में लगाने के बाद बर्न ऑयल भी जो है वो आप कह सकते हो यहाँ पे काम नहीं आ रहा, मतलब बर्न ऑयल भी यहाँ पे जल बुन गया है। तो ये इसलिए क्योंकि उनकी टीम अच्छा नहीं कर पाई, दूसरी टीम अच्छा कर रही है तो उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा दो कि इन्होंने ये किया, क्योंकि बीसीसीआई तो भाई रिचेस्ट बोर्ड है ना, बीसीसीआई आईसीसी के साथ कुछ भी करा सकते हैं, तो कुछ भी एलिगेशन लगा दो यहाँ पे आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, लेकिन ऐसा नहीं है, आईसीसी जो है भाई वो रूल के मुताबिक चल रहा है और कोई भी रूल जो है वो ब्रेक नहीं किया गया है टीम इंडिया की तरफ से। जितने लोग इंटरनेट पे जो बातें देख रहे हो वो सारी बातें यहाँ पे झूठ है, फ्रॉड है, यहाँ पे एक भी बातें सच नहीं है, एक भी बातें सच नहीं है। और ये जो कह रहे हैं आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, भाई बीसीसीआई फेवर नहीं लेती है भाई आईसीसी, इतना हम लोगों का बुरा दिन नहीं आया कि हम लोग भाई यहाँ पे फेवर लेके मैच जीते, हमें हमारे प्लेयरों पे पूरा भरोसा है, हमें हमारे प्लेयर जो बॉलर है शमी सिराज, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, इन सब पे पूरा भरोसा है भाई, पूरा भरोसा है। मैं जितने इंडियन फैंस सबसे कहना चाहता हूं आप लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए अपनी टीम पे कि वो इतना अच्छा कर सकते हैं। ये जो जितने एलिगेशन लगाए जा रहे हैं हमारे पड़ोस की तरफ से सब गलत है, ये सब बेबुनियाद है, और मैं कह रहा हूं इंडियन फैंस इन सब बातों पे बिलीव ना करें। आप लोग वीडियो देखोगे, हजारे वीडियो देखोगे, सबको व्यूज चाहिए, सबको गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला के यहाँ पे व्यूज चाहिए, तो मैं कह रहा हूं ये गलत न्यूज पे कभी विश्वास नहीं करना। टीम इंडिया जो है वो पिच उसी पिच पे खेल रही है जो पिच यहाँ पे पहले डिसाइड हो गया था वानखेड़े के पिच पे, जो लाल मिट्टी वाली पिच थी उसी वाली पिच पे, अगर आपने देखा भी होगा तो पिच हल्का हल्का लाल था, इस पे कोई यहाँ पे घास नहीं थी, कोई यहाँ पे मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाया जा रहा था कुछ नहीं है, ये सब यहाँ पे
आप कह सकते हो इंडिया के अगेंस्ट एजेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन टीम ने इतना अच्छा खेला इस वर्ल्ड कप में, एक मैचेस भी वो लोग नहीं हारे लीग स्टेज में, 9 के 9 मैचेस टीम इंडिया ने डोमिनेट किया, हर एक टीम को हम लोगों ने तोड़ा है, जो टीम यहाँ पे वर्ल्ड की चैंपियन बनी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेकर न्यूजीलैंड तक, हर एक टीम को तोड़ा है, कोई भी टीम जो है यहाँ पे नहीं टिकी इंडिया के सामने, इसीलिए भाई यहाँ पे जल रहे बगल वाले। तो अब यहाँ पे क्या कहूं मैं इन लोगों को, अब क्या करना चाहिए पता है, बर्फ लेके घुसा लो भाई यहाँ पे, ताकि जलन जो है वो खत्म हो जाए और फिर बर्फ जो है पिघल के पानी पानी होके टपके आपके, समझ रहे हो कहाँ से टपकना है। तो जितने इंडियन फैंस से मैं सबसे कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर देना, पूरी तरह शेयर कर देना, ताकि ये जो चीजें हैं सब लोग यहाँ पे मतलब समझ पाए कि इंडिया की तरफ से भाई मैं यहाँ पे डिफेंड कर रहा हूँ इंडिया को, इंडिया ने कोई भी पिचेस का जो हेरा फेरी है वो नहीं किया है, और ये चीजें आप लोग को भी यहाँ पे करनी है। अगर सच्चे देशभक्त हो तो शेयर करो वीडियो को, जितने लोग सब तक शेयर करो ये वीडियो को।